हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोग देख रहे हैं अभिनव पेट व्लॉग। सो गाइस, आज के वीडियो में हमारा जो कम्युनिटी टैंक है उसका अपडेट दे रहा हूँ। तो देख सकते हो क्या क्या चेंज किया है मैंने और क्या क्या ऐड किया है मैंने, सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो गाइस चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास गोल्ड फिश हैं और शार्क्स हैं और हमारा विडो टिट्रस है एंड कोइज हैं एंड हमारा रोजीबर और स्नेल। देख सकते हो एप्पल स्नेल एक पैर है यहाँ पर एक, और सेकंड कहाँ गया, यहाँ पर एक। तो गाइस मेरे पास एक ओरेंडा गोल्ड फिश है, देख सकते हो। और मैं फीड दे रहा था, ये कुछ ज्यादा ही खा लिया है तो इसीलिए थोड़ा ये हो गया है। तो इस देख सकते हो मेरे पास एक ओरेंडा नहीं, तीन ओरेंडा है। देख सकते हो ये तो पुराना है, न्यू कौन सा मैं लाया हूँ उसको दिखाता हूँ। तो ये एक न्यू ओरेंडा है। तो सेकंड में वो आएगा तो मैं बताऊंगा। तो गाइस देख सकते हो ये मेरे सेकंड ओरेंडा है माने न्यू। और नेक्स्ट है ये शार्क फिश, टू शार्क फिश, एक व्हाइट में और एक ब्लैक में, इनको टाइगर शार्क भी बोलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट फिश है हमारा एक सुभांगिन फिश, ये माने कॉमन सुभांगिन नहीं है, ये थोड़ा इम्पोर्ट है, इतना भी नहीं मतलब थोड़ा इम्पोर्ट है। और नेक्स्ट है हमारा रेंचो गोल्ड फिश, देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रेड कलर का रांचो गोल्ड फिश। एंड हमारा क्या गया, कहाँ पर गया, ये कॉमन गोल्ड फिश का तीन छोटे छोटे, देख सकते हो ये एक। और नेक्स्ट हमारा पीछे चला गया है ये एक। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा एंजल फिशेस। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये दो एंजल फिशेस हैं यहाँ पर, और एक इंच साइज नहीं, टू इंच साइज होगा, देख सकते हो। एंड टू विडो टेट्रास हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक पिंक या फिर रेड में एंड एक येल्लो में, उसको मैं दिखा रहा हूँ जो पिंक ये। तो गाइस नेक्स्ट फिश है हमारा कुइज। तो गाइस कुइज या फिर कार्क, तो हमारे पास ये गोल्डन या फिर रेड कलर में दो हैं, देख सकते हो। एक वेल टेल में है जो कि है यहाँ पर, देख सकते हो ये एक वेल टेल में है, ये आया, ये 6 से 7 इंच का साइज होगा इसका, कि 8 इंच का साइज होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास और एक नॉर्मल टेल में गोल्डन कलर का वो है। तो नेक्स्ट है हमारा मिल्की कार्क या फिर मिल्की गोई, यहाँ पर देख सकते हो एक वेल टेल मिल्की गोई है। तो नेक्स्ट है हमारा येल्लो कोई, देख सकते हो येल्लो एंड ब्लैक में कोई है। तो गाइस इतने ही कुछ फिश थे हमारा कम्युनिटी फिश टैंक में। तो गाइस देख सकते हो इनमें टोटली 18 फिशेस होंगे शायद, 18-20, मैं गिनता नहीं हूँ, 18 या फिर 20 होंगे शायद। तो गाइस आप लोगों को बताना हमारा कम्युनिटी फिश टैंक कैसा लगा। तो गाइस मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही मजेदार पेट्स वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो गाइस इसमें से आप लोगों को कौन सा फिश अच्छा लगा वो भी कमेंट कर देना। तो हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रोजी बार भी है, एक है, मैं एक ही लाया हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये रहते हैं या फिर नहीं, इसीलिए मैं एक ही लाया हूँ। विडो टेटरा भी एक पैर लाया हूँ, मैं देख रहा था कि रहते हैं या फिर नहीं। तो आप लोग विडो टेटरा भी रख सकते हैं आप गोल्ड फिश या फिर कोई फिश के साथ, एंड एंजल भी रख सकते हैं। एंजल थोड़ा थोड़ा शायद काटते हैं लेकिन ये तो नहीं काट रहा है। तो गाइस नेक्स्ट आप रोजीवार भी रख सकते हैं यहाँ पर।
तो गैस आप लोगों को जैसे कि पता होगा तो शार्क फिश सब फिश के साथ रह सकते हैं। तो गैस मैं एक पर्सनली शार्क फिश के वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैं शार्क फिश के ए टू जेड सब बताऊंगा उसमें, तो उस वीडियो भी देख लेना। तो गैस ये मेरा फर्स्ट गोल्ड फिश है, ओरिंडा गोल्ड फिश। तो इसको मेरे घर में 3 से 4 मंथ हो गया है रहने में। और उसके बाद ये है क्या, कहाँ गया ये उसके बाद ये ऐसा करके आए हैं सब। तो शार्क फिश में न्यू लेकर आया हूँ, एंड रोजीवार न्यू है, और हमारा उल्टू टटरा भी न्यूज है, एंड हमारा ये ओरेंडा, ये भी ओरेंडा न्यू है, एंड एंजल भी न्यू है। तो देख सकते हो शार्क फिश बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ये अल्बेनो है एंड वो ब्लैक में है, ब्लैक या फिर ब्लू लाइन शार्क भी उसको कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर उसका बॉडी में जो ब्लू कलर का लाइन होता है, इसीलिए उसको ब्लू लाइन कहते हैं। तो गाइस आप लोगों को जैसे मैं बोला कि शार्क वीडियो के मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, उनके ए टू जेड फूड से लेके मैंने ए टू जेड सब सब बताऊंगा उसमें। तो गाइस देख सकते हो ये शुभांगिनी का एक आइस फ्लैक है, तो गाइस मैं इसका तो और कुछ नहीं चेंज किया हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लाया हूँ, मतलब कि नॉर्मली सीनरी वाला बैकग्राउंड, मैं ब्लैक कलर ड्रैगन लेता लेकिन मार्केट में नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं ये ले आया, लेकिन मिलेगा था वो ले आऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये हमारा स्नेल्स है, स्नेल्स भी न्यू है, ये कुछ 8-10 दिन से लाया हूँ, इनको एप्पल स्नेल बोलते हैं। ये मुझे 30 रुपीज पर पीस में पड़ा है, और नेक्स्ट ये जो ओरेंडा है ये मुझे 200 रुपीज पेयर में मिला है। ये इसका हेड थोड़ा सा अच्छा है उसका मुताबिक, उनका कंपेयर में इसका हेड थोड़ा अच्छा है, उसका भी अच्छा है, लेकिन उतना नहीं कि इतने जैसा इसके जैसा। देख सकते हो इसका हेड देख सकते हो और इसका हेड देख सकते हो। तो ये दोनों मुझे पड़ा 200 रुपीज पेयर में। तो गाइस नेक्स्ट शार्क फिश मेरे मुझे पड़ा 80 रुपीज पेयर, 40 रुपीज में मुझे मिला है। और नेक्स्ट एंजल फिश मुझे 100 रुपीज पेयर में मिला है, एंड रोजीमार मुझे 30 रुपीज पर पीस मिला है, एंड विड्रोटेरा मुझे 150 रुपीज पेयर में मिला है। तो गाइस देख सकते हो यही कुछ रेट था, और मार्केट रेट भी यही चल रहा है। तो बस नाइट में देख सकते हो, नाइट में भी हमारे एक्वेरियम में ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। आपका हमारा कम्युनिटी की टैंक कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना। तो बस मैं इनको दिन में 2 टाइम फीड करता हूँ, आप भी आप लोगों का फिश को 2 टाइम ही फीड कर दे, नहीं तो ओवर फीड वजह से फिश मर जाएंगे। शार्क फिश थोड़ा ज्यादा खाते हैं। तो गाइस वीडियो टू हम यही पे एंड करेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।